हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं निकल पड़ा हूं दिल्ली के लिए, यानी कि पहाड़ों का सफर आज खत्म होने जा रहा है। आई होप कि आपको मेरा घर बहुत प्यारा लगा होगा दोस्तों, और आपको यहां काफी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और फिलहाल तो मैं आज इन हसीन पहाड़ों को छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो इसलिए दोस्तों अब जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन आप लोगों को ये जो वीडियोस देखने को मिले हैं प्यारे प्यारे पहाड़ों के, आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगे हो। और मैं भविष्य में ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगा, बस आप लोगों का प्यार बने रहे और ऐसे पहाड़ों के नज़ारे मैं आपको दिखाता रहूंगा। तो आपको मेरा गाँव अच्छा लगा हो या बहुत ज़्यादा प्यारा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा गाँव कैसा लगा। तो छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं तो इसलिए मुझे दिल्ली वापस जाना पड़ रहा है सुबह से। लेकिन यार थोड़ा मूड भी ख़राब हो गया मेरा दोस्तों, क्योंकि मैं 6 बजे का उठा हुआ था और 7 बजे मैं रेडी हो गया था निकलने के लिए, लेकिन बारिश ने ऐसी दस्तक दी कि मैं जा ही नहीं पाया। ना तो वो हो रही थी और ना वो बंद हो रही थी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था वो बिल्कुल, किसी को ना बाहर जाने देना अंदर। फिर प्यांसू भी मेरी वजह से लेट हो रहा था। जब मैंने देखा कि बारिश बंद ही नहीं हो रही है तो मैंने वैसे ही रिमझिम बारिश में ही प्यांसू को पहले स्कूल छोड़ के आया, क्योंकि वो मेरी वजह से लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे तो निकलना ही है, मैं थोड़ा रुक के निकलूंगा। फिर मैंने सोचा अब ये इतना लेट हो गया, फिर कहाँ ये पहाड़ चढ़ के जाएगा, इसलिए फिर मैं उसे छोड़ के आ गया दोस्तों, ताकि वो टाइम से पहुँच जाए। और मैंने उसे टाइम से छोड़ भी दिया, और मुझे भी अच्छा लगा और उसे भी अच्छा लगा, तो ठीक है दोनों खुश। तो मैं नहीं चाहता था दोस्तों कि मेरी वजह से लेट हो जाए, इसलिए मैं उसे छोड़ के आया। और फिर उसके बाद मैं वैसे ही घर आया, फिर मैं थोड़ी देर वेट करा, क्योंकि मेरी नानी ने और घर वालों ने थोड़ा सामान दिया था, तो मैं उसे बांधने में लगा हुआ था बाइक पर, तो थोड़ा टाइम मेरा वैसे वेस्ट हुआ। और फिर मैं आधे रास्ते तक आ गया था अपने गांव के, फिर मुझे पता चला कि मैं तो लीड भूल गया हूं, और शायद वो होना होगा क्योंकि मैंने अपना लगेज जो पीछे बांधा था वो सही से नहीं बांधा था, और जब मैं वापस आता था वो पता नहीं कैसे वो गिर पड़ा। तो मुझे लगा जो होता है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आगे निकल जाता तो ये कहीं वैसी जगह गिरता तो मैं इसे कैसे संभालता। तो फिर इसलिए भैया ने फिर से अपने स्टाइल से बांधा, पहाड़ी स्टाइल से। अब ये ना इधर हिल रहा है ना उधर हिल रहा है, तो मुझे भी अब दिल्ली जाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये नहीं गिरेगा। और अब मैं अपना सफर शुरू कर रहा हूँ इतना टाइम वेस्ट करने के बाद। तो इन छोटी मोटी चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ, और अब मैं अपने घर से दिल्ली के लिए निकल पड़ा हूँ, जबकि मुझे 9 बज चुके हैं दोस्तों निकलते निकलते, और कहाँ मैं 6 बजे का उठा हुआ और 7 बजे रेडी हो चुका था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ वो भी 9 बजे। तो चलो कोई नहीं, इसी टाइम पर निकलना होगा मुझे। और अब मौसम भी अच्छा हो गया है, छींटे भी हल्के हल्के आ रहे हैं, पर लेकिन धूप भी खिल गई है। दोस्तों बारा खाम का नज़ारा जो कि बहुत खूबसूरत है, और आप देख सकते हैं बहुत गहरी खाई है, बड़ा डर लगता है दोस्तों यहाँ से। एक साल जब मैं घर आया था तब यहाँ से एक मारुति 800 चली गई थी, उसमें 2 व्यक्ति बैठे थे दोस्तों, तो बहुत डेंजर है ये खाई। जो भी पहाड़ों में आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, घूमने आते हैं, टाइम स्पेंड करने आते हैं, तो इन रोडों का सम्मान करें, क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। फिलहाल तो ये जो पीछे मैंने लगेज बांधा ना दोस्तों, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, और मेरे को ना इससे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मेरे तो घर के पास ही गिर गया था ये, और नीचे जा गधेरे में जाने से बच गया था ये, और मैं क्या ही बोलता, बड़ी हवा ख़राब हो गई थी। और भैया भी लेके आए तो लाइलोन वाला रस्सी लाए, अब ये टूट रही है क्योंकि अब उस पर प्रेशर पड़ रहा है तो वो शायद टूट रही है, तो डर साहब ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे ड्राइव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 24 घंटे मेरा ध्यान इसी पर रहेगा, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और मैं डिस्टर्ब भी हो रहा हूँ। तो दोस्तों मैं भी तिपोला पहुँचने वाला हूँ, बाराखाम के बाद आता है ये तिपोला, जो कि रानीखेत के रूट पे आता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इधर नीचे बहुत बड़ी नदी थी, अब तो नहीं है, पर लेकिन अच्छा लगता है अभी भी तिपोला के पास जाके,
अच्छा है, छोटी सी मार्केट है वहाँ भी और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे भी। फिलहाल तो इस खूबसूरत जगह को छोड़ के अब वापिस शहर जा रहा हूँ। वही ट्रैफिक, वही शोर शराबा, सुबह जाओ रात को आओ, क्या यार 7-8 दिन यहाँ कैसे बीते पता भी नहीं चला दोस्तों। और इस खूबसूरती में ना सच में कुछ भी पता नहीं चलता। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी बस 2 दिन पहले ही आया था और बस अब मैं जा रहा हूँ, कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है दोस्तों। लग ही नहीं रहा कि मैं यहाँ पे 8 दिन या 7 दिन बिता चुका हूँ, ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा अभी तक। दोस्तों मैं ना यहाँ तिपोला में आ गया हूँ और ये रस्सी ना टूट गई थी, तो ये अंकल जी से मैंने हेल्प मांगी है, तो ये अब मेरी रस्सी को बांध रहे हैं क्योंकि मेरे को इसको बांधना नहीं आता है। तो ये दुकान में इनकी है पर ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने खुद ही बांध दिया। इन्हें बोला मैं बांधता हूँ पर ये तो ढीला हो रहा है, खुल तो नहीं। आपका नाम? कुबेर सिंह बिष्ट। तो ये कुबेर सिंह बिष्ट जी हैं और बहुत अच्छे हैं यार। मैंने सिर्फ इनसे पूछा था तो इन्होंने मना भी नहीं किया और तुरंत बांधना शुरू कर दिया और कहा दिल्ली जाओगे याद करोगे, ऐसा बांधूंगा इसको। क्योंकि यार मेरे को बहुत डर लग रहा है ये कहीं टूट गया तो पूरा रास्ते में मेरी तैसी तैसी हो जाएगी। वो कह रहे अंकल हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो गांव में मेहनत करते हैं ना ये सब्जियों के लिए, उनकी मेहनत बहुत है इसमें, तो हमारे लिए तो गिर जाए तो हम कहेंगे छोड़ो, पर लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से उगाई होती है। जैविक? हाँ। क्या हुई? जैविक मतलब खाद की? हाँ, मतलब कहने मतलब है उनकी तो ये सालों की मेहनत है, अब हमसे गिर जाए हम बोलेंगे छोड़ो यार गिर गया, पर लेकिन उन्होंने प्यार से दिया है सब्जी है गांव की कि ले जाओ करके आए हो करके, थोड़ा मेरे नैनीहाल की है थोड़ा घर की है। तो दोस्तों अंकल जी ने दिन बना दिया, अभी तो इसको उन्होंने बांध दिया है पर देखते हैं ये कहां तक जाता है। और ये अंकल जी की शॉप जो कि यहां तिपोला में है, और मैं ना बहुत लेट हो चुका हूँ दोस्तों अपने घर में, काफ़ी लेट हो चुका हूँ क्योंकि इसको ये रखना मेरे लिए एक मुसीबत हो गई है। तो ये है पूरा तिपोला, आप देख सकते हैं ये पूरा तिपोला की मार्केट है। और वो अंकल जी ना बहुत अच्छे थे, उनका नाम है क्या कुबेर सिंह बिष्ट, वो बहुत अच्छे अंकल, उन्होंने ना मेरी हेल्प करी है और उन्होंने ही रस्सी दी, उन्होंने ही बांधा, मतलब पूरा इतना कष्ट की, उन्होंने कहा दिल्ली तक जाओगे याद करोगे। आई होप कि यार ये ऐसे बस मजबूत रहे और ताकि मैं भी अपना सफ़र सही से दिल्ली तक का कर पाऊँ, वरना इसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊँगा। और मैं वीडियोस भी हल्द्वानी तक ही बनाना चाहता हूँ क्योंकि उसके आगे तो नॉर्मली है, कुछ देखने को होता नहीं उतना, तो हल्द्वानी तक ही खूबसूरती है तो आप वहाँ तक देखेंगे, बाकी तो मैं फिर खेचम खेच चलूँगा दिल्ली तक। और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, ठीक 10 बज गए दोस्तों देख सकते हैं, मैं सच में यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मैं कितने बजे तक दिल्ली पहुँचूँगा। और ये तिपोला का यहाँ पे एंड होता है और ये मंदिर के साथ जय हो भगवान, छत्र छाया करना सफर मंगलमय करना, बहुत प्यारी जगह है दोस्तों ये, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ये तिपोला। और यहाँ पे ना पता नहीं क्यों एक फीलिंग आती है बड़ी अच्छी से कि ये ना कनेक्ट है हमारे से, क्योंकि तिपोला है, तिपोला के बाद 5 किलोमीटर की दूरी में द्वारखाम जो कि बुआ का घर है, और फिर 5 किलोमीटर की दूरी में वहाँ से जालली, तो तीनों कनेक्टेड है, तो यहीं से एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है कि यार हम घर पर आ गए हैं और बहुत अच्छा लगने लगता है यहाँ आके। ये सफ़र मैं आपको पहले भी दिखा देता अगर मेरा ना मेमोरी का इशू नहीं होता, क्योंकि जब मैं मंडे यहाँ पहुँच गया था तब मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हुआ था, तो मैं ट्यूसडे को भी रानीखेत आया था और वेडनेसडे को भी रानीखेत आया, पर मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैं शूट क्या करता, तो इसलिए मैं ऐसे ही दोस्तों आ गया। और मन तो बहुत ख़राब हो गया था क्योंकि मैं तो चाहता था कि बहाने मिले और मैं वीडियोज़ बनाऊँ और आप लोगों का एंटरटेनमेंट करूँ, पर किस्मत ऐसी ख़राब हुई दोस्तों कि क्या कहूँ, वरना वो 2 दिन तो मैं आपको रानीखेत घुमाता क्योंकि मैं मार्केट में ही गया था, अभी तो फ़िलहाल मैं सीधा निकल जाऊँगा। और ये है दोस्तों वो पुल जिस पे आने के बाद यार बड़ा मज़ा आता था कि हमें ऐसा लगता था बस अब तो घर आ गए। और ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है दोस्तों ये नदी, देख रहे हो दोस्तों ये बड़े बड़े पत्थर आपको जो दिख रहे हैं ना दोस्तों पानी में, ये सब के सब बारिश में बह के आते हैं दोस्तों, जब बड़ी बाढ़ आती है इस पर तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखो और कितनी प्यारी है ये नदी, देखो कितनी अच्छी लग रही है। और इधर को तिपोला होते हुए सीधा हमारे ही जालली पहुँचती है, तो बहुत अच्छी लगती है दोस्तों ये नदी, अच्छा लगता है। अब आपको पता चला होगा ना क्यों यहाँ पे आके अच्छा लगता है इसकी वजह से। और ये देख सकते हैं दोस्तों अब मैं रानीखेत के पास पहुँच गया हूँ, उससे पहले खूबसूरती देख के मैं रुक नहीं पाया। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है दोस्तों, और ऊपर आसमान देखो, सुबह मुझे बारिश परेशान कर रही थी और अभी देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। और देखो मैं यहीं कहीं से आ रहा हूँ
कहीं पता नहीं, वैसे तो पता नहीं चलता, पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है दोस्तों। तो यार रानीखेत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करना। ये है रानीखेत का एरिया दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, इतना अच्छा लगता है दोस्तों। ठंडी ठंडी हवा लगती है क्योंकि शायद ये टॉप पे है इसलिए यहाँ पे इतनी ठंडी हवा लगती है। और चारों तरफ से ना इसमें फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, देखो यहाँ पे इतने प्यारे है ना दोस्तों। यहाँ पे इतना अक्सर ना पहाड़ी गानों के इनकी ना शूटिंग भी होती है क्योंकि ये जगह इतनी प्यारी है। यहाँ पे ऊपर रिजॉर्ट वगैरह भी है मेरे ख्याल से। इससे पहले एक कट था दोस्तों जो रानीखेत के अंदर जाता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे वहाँ जाना भी नहीं था क्योंकि मुझे तो सीधा दिल्ली को निकलना है, तो इसलिए मैं ऊपर को गया नहीं। जाने को तो मैं जा सकता था दोस्तों, पर फिर मुझे लगा आप लोगों को अगर रानीखेत दिखाएं तो कभी फुर्सत से दिखाऊंगा दोस्तों। और रानीखेत अगर आप देखना चाहते हैं ना सच में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको रानीखेत विजिट कराऊं वो भी बढ़िया से दोस्तों, ताकि आपको पता चले रानीखेत कैसा दिखता है। अभी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों मैं सुबह 6 बजे उठ चुका था, 7 बजे मैं रेडी होकर तैयार था, लेकिन बारिश ने उसी समय स्वागत करा और बिल्कुल ना बाहर जाने दिया और ना अंदर, तो वहीं खड़े के खड़े रहे। और फिर इस बारिश को देखते देखते दोस्तों कब 10 बज गए पता भी नहीं चला, और अब यहाँ आके मौसम फिर थोड़ा वैसा ही हो गया है, डर लग रहा है दोस्तों। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं तो परेशान हो जाऊँगा, पहले बारिश से परेशान हुआ, फिर पीछे जो सामान बाधा है, फिर इससे परेशान हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज किस तरह से मैं पहुँचूँगा। और ये सब चीज़ों में उलझते ही रह जाऊँगा तो फिर तो हो गया दोस्तों काम, दिल्ली पता नहीं फिर कब पहुँचा जाएगा। सबसे ज़्यादा टेंशन है दोस्तों पीछे बांधे हुए सामान की, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना कि मैं अपनी ना राइड पे फोकस ही नहीं कर पा रहा, और मुझे टेंशन सी हो रही है और ना मेरा ब्लॉग बनाने में मन लग रहा है क्योंकि मुझे इससे इतनी टेंशन हो रही है। क्योंकि जब ये सुबह गिरा था ना दोस्तों तो नीचे गधेरे में जाने से बच गया ये और बिल्कुल पत्थर के पास जाके रुका है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है मुझे क्योंकि अगर ये ऐसे कहीं हाईवे पर हो गया तो इसे तो पीछे आने वाली गाड़ियाँ ऐसा पिचकाएंगी कि इसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, तो मुझे इससे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये दिल्ली तक का सफ़र मुझे कैसे करना है। क्योंकि जब मैं आया था एकदम बेफिक्र होकर मस्ती में खेचम खेचा रहा था, पर अब मैं दोस्तों गाड़ी चलाने में भी डर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं भगाऊँ या नहीं भगाऊँ, क्योंकि ये कब गिर जाए किधर गिर जाए। बांधने को तो इसे बांध चुके हैं पर लेकिन फिर भी दोस्तों कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा हूँ, फिर भी अंदर से वो फीलिंग नहीं आ पा रही है दोस्तों कि रानीखेत का रोड इतना ज़्यादा प्यारा है ना दोस्तों, मैं क्या बोलूँ। देखो कितनी खूबसूरती है यहाँ पर, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि यार किसी ने इसको तराशा हो बड़े प्यार से। और वैसे भी ना यहाँ की खूबसूरती बनती है क्योंकि ये कुमाऊँ रेजिमेंट में आता है दोस्तों, और यहाँ पे आर्मी का पूरा एरिया है। रानीखेत बहुत ज़्यादा टॉप पे है, मैं मार्केट तो नहीं जा सकता अभी रानीखेत की, पर मैं आपको रोड बाई रोड तो दिखा सकता हूँ दोस्तों कि रानीखेत में जब आप कभी घूमने आओगे तो आपको इस रस्ते से पता चल जाएगा कि आप रानीखेत के अंदर एंटर कर चुके हैं। इस जगह को क्या कहते हैं तो मैं तो नहीं जानता, पर लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, कितनी भी यार बस देखते ही रहने का मन कर रहा है दोस्तों इसको। और यहाँ के लोगों को तो यार मतलब जन्नत मिल रखी है रहने को,
ये किसी जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। और देखो दोस्तों कितना खूबसूरत है यार ये, मतलब क्या बोलो, देखते ही रहने का मन कर रहा है इसको तो यार, इतनी सुंदर है ये जगह। देखो यार कितनी प्यारी लग रही है ये नदी, मज़ा आ गया दोस्तों इसे देख के। देखो आप लोग के लिए तो रिक्शा लेना पड़ रहा है, मैं ना रॉन्ग साइड चला जा रहा हूँ दोस्तों, एकदम से कोई ना कोई आए जा रहा है। आप देख सकते हो ये खूबसूरती बहुत खूबसूरत है यार, मज़ा आ गया। तो ये ना नदी देखने के बाद ना पता चल जाता है कि आप खैरना के नज़दीक आ गए, यानी कि खैरना मीन्स कि गर्म पानी, तो उसे वहाँ पर एक स्रोत है जहाँ पर गर्म पानी निकलता है, तो इसलिए उस एरिया का नाम गर्म पानी पड़ा है, तो खैरना मार्केट को बोलते हैं। और ये देखो स्टूपिड ड्राइवर। और दोस्तों आज ना सुबह से ना मूड मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है, पहले तो दोस्तों पहाड़ों को छोड़ के जाने का मन वैसे ही नहीं होता है, तो वैसे ही मूड ख़राब था। फिर दो दिन से बारिश नहीं थी, लेकिन आज सुबह जैसे ही मैं बाहर निकला वैसे ही बारिश हो गई, इससे मेरा और ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। क्योंकि आप एक आध घंटे का सफ़र तो है नहीं कि आप भीग जाओ और फिर चले जाओ, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और पानी कितना साफ़ है दोस्तों, देखो एकदम कांच के जैसा पानी साफ़ है। तो ऐसा नहीं था दोस्तों कि मैं बस भीगता और एक दो घंटे में कहीं पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता और फिर चेंज कर लेता। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मेरा बैग है, मेरा कैमरा है, मेरा सामान इतना है, ये सब भीगने का खतरा रहता है। तो बारिश दोस्तों ऐसे टाइम पे आई ना, मैं मूड इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था मेरा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक तो दोस्तों ऐसी मूड ख़राब था, गाँव छोड़ के जाने का मन करता नहीं है, पहाड़ इतने खूबसूरत होते हैं किसका मन करता है छोड़ के जाने का। और एक ही मुँह बसे ओहो। और ये पहुंच गए हम खैरना, जिसे कहते हैं गर्म पानी। फिलहाल यहाँ नदी गर्म नहीं है दोस्तों, इसे एक जगह है जहाँ पे पानी गर्म आता है। भाई देखो कितना प्यारा लग रहा है, और नया फ्लाईओवर भी बन रहा है। ये जो लेफ्ट रोड जा रही है ना दोस्तों, जैसे अल्मोड़ा जाना हो ना तो वो इस रूट को पकड़ ले, ये सीधा अल्मोड़ा जाकर ही डी एंड होता है। तो अल्मोड़ा किसे पसंद है और किसने नहीं देखा वो कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं अगर उन्हें देखने का मन है तो, क्योंकि अगली ट्रिप में मैं सीधा अल्मोड़ा ही आ जाऊँगा, आप लोगों को अल्मोड़ा दिखा दूँगा। बस आप वीडियो में बने रहे और ऐसे प्यार देते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों खूब सपोर्ट दिखाओ यार, और बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी टूर करने निकल सके और खूब आप लोगों के साथ ऐसे ही घूमते रहे और वादियों के मज़े ले। देख सकते हैं दोस्तों मैं कुछ ऐसी जगह पे रुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा, नीचे नदी है। मेरे को थोड़ा सा सुस्ती सी आ रही थी तो मैं चाय पीने के लिए रुक गया हूँ। और ये देख सकते हैं दोस्तों आज मुझे परेशान ना इसने किया है, सोचो इस कट्टे ने, ये ना गधेरे चला गया था दोस्तों जब मैंने बांधा था। इतनी ये ऐसी जगह पर रुका था ना, मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे रुक गया होगा। खैर छोड़ो कोई नहीं, पर ये फिर अभी से सही से बांध दिया है, ये किसी तरह दिल्ली तक ठीक से पहुंच जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी दोनों कुछ इस तरह से दिखती है, देख सकते हो काफ़ी प्यारी लग रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं कैची धाम पहुंच चुका हूं, ये है बाबा नीम करौली आश्रम। और बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए इतनी दूर दूर से लोग आते हैं ना दोस्तों, चाहे वो फेसबुक के ऑनर हो या आईफोन के सीईओ, सब यहाँ पर आके बाबा नीम करौली के दर्शन करके गए हुए हैं। ये है इसका द्वार, ये देख सकते हैं, जय हो बाबा छत्र छाया करना, पूरा नदी के पास बना हुआ है नीचे। ये देखिए ऊपर से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है।
तो ये था दोस्तों बाबा नीम कौली का आश्रम जो कि कैची धाम में है। अभी मौसम का दोस्तों कुछ पता नहीं चल रहा है, किसी टाइम बढ़िया हो जा रहा है, किसी टाइम थोड़ा बिगड़ जा रहा है, तो डर लग रहा है। मैं चाहता नहीं हूँ कि बारिश वारिश आए, और भीगना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और दोस्तों आप देख सकते हैं मैं भवाली में एंटर कर चुका हूँ, और ये भी एक बहुत प्यारी मार्केट है। यहाँ पे आना और नैनीताल में जाना एक जैसा ही लगता है दोस्तों, क्योंकि ठंड में भवाली में भी स्नोफॉल होती है और नैनीताल में भी स्नोफॉल होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, ये मार्केट बड़ी अच्छी है यहाँ पे। और नहीं यहाँ पे मतलब घूमने में बहुत मज़ा आता है। मैं जब नैनीताल आता था तब हम यहाँ घूमने आ जाते थे वहाँ से, क्योंकि नैनीताल से सिर्फ 10 रुपये लेते हैं गाड़ी वाले। ये है दोस्तों भवाली, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है यार, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे दोस्तों। मेरे को ना अभी एक भैया ने शॉर्टकट बताया दिल्ली जाने का। कैची धाम से पहले मुझे एक मैगी पॉइंट मिला था जहाँ पे मैंने मैगी और चाय पी, तो उन्होंने मुझे बताया दिल्ली जाने का शॉर्टकट। वैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं दिल्ली को जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा भीमताल वाले रोड से जाओगे, मैंने कहा हाँ वो शॉर्ट है। तो उन्होंने मुझसे बोला कभी वाजपेयी वाले रोड से गए हो नैनीताल की तरफ से, तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला वहाँ से जाओ, 40 किलोमीटर का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और इधर से जाओगे तो आपको हल्द्वानी के बाद जाम मिलता है, रोड भी ख़राब है। तो मैंने उनकी बात सुनी और मैंने सोचा चलो अगर वो बता रहे हैं तो इतना तो बनता है कि यार चला रोड चेक करना बनता है। और हम यहीं से हैं और हमें पता भी नहीं है कि कितने हमारे यहाँ पे एरिया हैं और कहाँ कहाँ को निकलते हैं, तो हम तो बस जिस रूट पे हमेशा से आते हैं उसी पे चले जाते हैं। तो अच्छा है भविष्य में आज मैं इस रूट को देखूंगा, तो अगली बार जब आऊँ तो क्या पता मेरे लिए इतना शॉर्ट हो जाए कि मैं दिल्ली से यहाँ बहुत ईजी आ जाऊँ। तो इसलिए दोस्तों इतना तो बनता है कि भैया की बात सुन के जाना तो बनता है। फिर फिलहाल मुझे पहुँचना है पहले नैनीताल, मैं नैनीताल पहुँचूँगा, नैनीताल से मैं काला ढूंगी वाला रूट लूँगा, और फिर वहाँ से गूगल बताएगा कैसे जाना है। आप बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हो यार मौसम कितना ख़राब हो गया, और नीचे तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा कि कुछ है भी या नहीं है, ऐसा लग रहा है बस मैं बादलों में चल रहा हूँ। और देखो कितना बिकट कोहरा लग गया है, और सब नीचे से ऊपर की तरफ ही आ रहा है देख सकते हो। और ना डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर ये बरसात बन के अगर ये बरस गया ना दोस्तों तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो भागने का भी टाइम नहीं है दोस्तों, कि मैं कहाँ भागूँगा मेरे को कुछ पता नहीं, और मेरी समझ से सब बाहर हो रहा है। और आज जब मैं सुबह से निकला हूँ ना दोस्तों, बस मैं परेशानियाँ ही हो रही है मेरे को कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही हैं दोस्तों, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। और अब देखो इस मौसम ने कैसा करवट लिया है, अब यकीन नहीं मानोगे, देखो कुछ नहीं दिख रहा दोस्तों, कुछ भी नहीं, पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँगा मैं। इतना कोहरा हद से ज़्यादा, देखो और वो भैया फ़ोटो के चल रही है यहाँ, तो यार देखो डर लग रहा है, क्योंकि ना मेरे को दिख भी नहीं रहा है दोस्तों कुछ, और क्या बोलूं मैं, और डर भी लग रहा है, गाड़ियाँ वाले भी सब ऐसे एकदम सामने आ जा रहे हैं, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा भाई। आज तो बचा ले रहा हूँ ऊपर वाले, कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा कि चलाऊं भी या नहीं चलाऊं, सोच रहा हूँ साइड में खड़ी कर दूँ। ये देखो दोस्तों कितना बिगड़ हो रहा है, ये थोड़ा ऑफ रोड करेंगे, ये बड़ा मज़ा आ रहा है ऑफ रोड में। और दोस्तों मुझे लग नहीं रहा कि मैं वीडियो बना पाऊंगा, क्योंकि ऐसे मौसम में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है दोस्तों। ये देखो मुझे कुछ नहीं दिख रहा दोस्तों आगे, और डर भी लग रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कोहरा कभी देखा नहीं है दिल्ली में, ही नहीं देखा कभी, तो आप खुद सोच सकते हो यहाँ पे रोड ही नहीं दिख रही है तो मैं क्या चलाऊँगा। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मैं अब आपसे मिलता हूँ सीधा दिल्ली में। और ये नज़ारा आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करा दो दोस्तों, और मैं आपका बड़ा टमटा ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लाता रहूँगा। और आप ये खूबसूरती देख सकते हैं, बस यहाँ तक के पेड़ दिख रहे हैं दोस्तों, और कुछ पता ही नहीं चल रहा नीचे है या नहीं है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा।